हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए टॉयज का एक बहुत ही बड़ा और जबरदस्त कलेक्शन। और गाइज ये देखिए हमारे पास कौन कौन से टॉयज है, कितने एक से बढ़कर एक टॉय आपको नजर आ रहे होंगे। और गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कुछ सरप्राइज टॉयज भी मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं जो यहां नहीं रखे हैं। तो कुछ ऐसे भी टॉयज है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और गाइज पूरा वीडियो देखना एंड तक और बहुत ही इंजॉय करना, क्योंकि मैं एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में दिखाने वाला हूं और सबके प्राइस बताने की भी कोशिश करूंगा। और कौन सी मार्केट में आपको क्या क्या चीज मिलेगी ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखना गाइस, बिना किसी देरी के इनका रिव्यू और अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको जो सरप्राइज टॉयज हैं दो मेरे पास, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं और बाकी की चीजें भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये रहे गाइस हमारे दो सरप्राइज टॉयज। सबसे पहले हमारे पास एक इंफ्रारेड वाला जो है हेलीकॉप्टर है, उसके बाद गाइज हमारे पास एक डेजर्ट ईगल गन है और ये दोनों भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं गाइज हमारी डेजर्ट ईगल गन जो मैंने खरीदी है चांदनी चौक दिल्ली की मार्केट से 250 रुपीज की, 250 रुपए की। और आप देख के बिल्कुल हिल जाओगे गाइज, इतनी बढ़िया गन है। और देखिए इसमें लाइट है, साउंड है, इसके अंदर साउंड इफेक्ट है और प्रोजेक्शन भी है, इसके अंदर काफी कुछ है इस गन में गाइज। ये देखिए, तो इस गन को निकाल लेते हैं और ये देखिए गाइज आ गई हमारी गन बाहर। और मैं जब आपको इसको चला के दिखाऊंगा आप हिल जाओगे गाइज कसम से। ये देखो बुलेट भी दी गई है और ये देखो, देखा गाइस कितनी बढ़ती है, बढ़िया चलती है डेजर्ट ईगल गन और बिल्कुल एकदम आर्मी वाला लुक दिया गया है इसके ऊपर। और ये देखो बस ये ट्रिगर आपको दबाना है और ये देखो। और गाइस देखिए प्रोजेक्टर वाली गन है, तो ये देखो गाइस इसका इफेक्ट आपको दिख रहा है। ये देखो रात के अंधेरे में गाइस और भी बढ़िया लगेगा ये, है ना गाइज। ये कितनी जबरदस्त गन, ये गाइज मैंने 250 रुपए की ली है। आपको ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अब मैं इसके बाद आपको दिखाता हूं अपना बहुत ही बढ़िया ये वाला इंफ्रारेड इंडक्शन हेलीकॉप्टर। ये सेंसर वाला हेलीकॉप्टर होता है और ये बिना रिमोट के चलता है गाइज। और ये भी मैंने खरीदा 250 रुपीज का चांदनी चौक की मार्केट से, 250 रुपए का। ये देखिए हमने अनबॉक्स कर लिया है। तो ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर, कितना बढ़िया है ना गाइज। और ये रही हमारी हेलीकॉप्टर को चार्ज करने के लिए डाटा केबल, ये घर के फोन के चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो गाइज ये देखिए कुछ इस तरीके से हेलीकॉप्टर नजर आता है। और ये देखिए ये सब इसके वो हैं प्रोपेलर्स। और ये देखिए गाइज ये इसके अंदर लाइट भी जलती है और यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया जाता है, ये रहा वो बटन। इस बटन को ऑन करना होता है और ये चालू हो जाता है। और ये है इसका सेंसर जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जाता रहता है। तो इसको ऑन करके दिखाता हूं मैं आपको गाइज। और अब आप देखना गाइज, ये देखो गाइज इसको छोड़ूंगा तो एकदम ऊपर की तरफ भागता है गाइस। इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है गाइस, ये देखो। और यहां पर देखो कुछ लाइट दी गई है, आप देख सकते हैं। ये देखो गाइस, और छोड़ते ही ऊपर की तरफ भाग रहा है गाइस, ये मेरे हाथ को ऊपर की तरफ खींच रहा है। बहुत ज्यादा पावरफुल हेलीकॉप्टर है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हवा में भी उड़ा के आपको जो है दिखाता हूं। सो गाइज कैसा लगा आपको हेलीकॉप्टर हवा में भी, मैंने आपको रूम में उड़ा के दिखाया कितना मजा आया ना गाइज। और दीवार पर कैसे टकरा रहा था उसके बावजूद ये गिर भी नहीं रहा था लोग, तो ये आप समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा पावरफुल ये हेलीकॉप्टर है। चलिए मैं आपको और भी चीजें दिखा देता हूं गाइज। इसके बाद है गाइज हमारे पास बहुत ही जबरदस्त आर्मी वाला कैप्टन अमेरिका। ये देखिए गाइस कैप्टन अमेरिका ने गन ली हुई है हाथ में और ये देखिए शील्ड भी इसकी लगी हुई है और पूरी बॉडी और फेस बिल्कुल रियल एकदम ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका जैसा लगता है। और इधर रखती है दो डबल ए साइज की बैटरी, ये देखिए हमने लगा रखी है और ये बंद हो गया। और इधर एक बटन दिया गया और ये बटन दबाते देखिए क्या होता है। देखो गाइस ये गोलियां भी चला रहा है। चलिए मैं इसको बाहर आपको थोड़ा सा चला के दिखा देता हूं। तो बटन ऑन कर लेते हैं गाइस, ये देखो अब देखो आप इसको चलते हुए देखो गाइस, अब ये गोली भी चलाने वाला है। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखो गाइस, और फिर से ये चलने लगता है, गोली बंद हो जाती है और फिर से ये चलने लगता है। सो गाइस कैसा लगा आपको, मेरे बाहर भी आपको चला के दिखाया कितना बढ़िया चलता है ना आर्मी वाला कैप्टन अमेरिका, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है गाइस। तो इसको भी रखते हैं साइड में, आपको दिखाता हूं एक डायनासोर का हमारे पास फेस भी है। ये देखिए एकदम रियल डायनासोर है। सबसे बड़ी बात है इसमें आप अपना हाथ डाल के इसको चला भी सकते हैं। मैं सबको खा जाऊंगा, है ना गाइस, कितना जबरदस्त है डायनासोर का फेस। और ये गाइस मैंने 300 रुपीज का खरीदा है मार्केट से, ये मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने खरीद लिया। और इससे आप रात के समय किसी को भी डरा भी सकते हैं, तो प्रैंक भी आप कर सकते हैं गाइस, तो बहुत सही चीज है। इसके बाद गाइस हमारे पास है हल्क।
ये देखिए हल्क का हमारे पास एक फिगर है गाइज, ये मैंने खरीदा 200 रुपीज का, तो ये भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये भी मैंने चांदनी चौक की मार्केट से खरीदा है। ये देखिए गाइज कुछ इस तरीके से ये जो है हमें हल्क मिलता है। ये देखिए हमने निकाल लिया इसको बाहर, और ये देखिए गाइस क्या जबरदस्त इसकी बॉडी है, क्या इसकी एकदम बिल्ड क्वालिटी है। इसके हाथ भी मूव होते हैं, इसके पैर भी मूव होते हैं गाइस, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। और गाइस इधर एक बटन दिया जाता है जिसकी हेल्प से आप इसके अंदर जो है लाइट भी ऑन कर सकते हैं। ये रहा इसका बटन, और ये दबाते ये देखिए इसकी चेस्ट में एक लाइट भी जलती है, जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी गाइस इसको उसको जलाने के लिए नहीं भी होता तो भी हल्क अपने आप में बहुत ही जबरदस्त लगता है। और इसे आप कहीं पर भी खड़ा भी जो है कर सकते हैं, तो घर में आपको एकदम काफी अच्छा लगेगा, टॉय कलेक्शन में आपके बहुत अच्छा लगेगा गाइस ये। और इसके बाद गाइस हमारे पास है एक मेटल कार का बहुत ही बढ़िया कलेक्शन गाइज, ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से 400 रुपीज की खरीदी है। तो इसमें मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्स मिली है, और काफी बढ़िया लग रही है कार। ये मेटल बॉडी कार है, ये भी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ सारी कार, और आप मुझे बताना कि आपको इन कार में सबसे कलर के हिसाब से आप लिख के बताना कि आपको सबसे बढ़िया कार कौन सी लगी। ये देखिए गाइस सबसे बढ़िया कार कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास एक रेड कलर की रेसिंग कार है, ये पूरी मेटल बॉडी है गाइस। ये देखिए कैसी लुक है इसकी, सारे डिजाइन में आपको इसको दिखा रहा हूँ, ये देखो देख लिया आपने। उसके बाद मैं आपको व्हाइट कलर की दिखा देता हूँ, और इसके भी डिजाइन देख लीजिए आप किस कैसी लगती है देखने में। और ये देखिए कितने अच्छे ग्राफिक्स हैं इस कार के, अलॉय व्हील भी कितने अच्छे हैं। उसके बाद ये येलो कलर की मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए येलो कलर की ये कार भी काफी जबरदस्त लग रही है, एकदम फोर्ड मस्टैंग है गाइस ये, तो ये फोर्ड मस्टैंग कार है। और उसके बाद ये ट्रक देखिए, ट्रक वाला कार ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है गाइस। ये देखिए ये कितना अच्छा कलर है ब्लू कलर, और इसके अलॉय व्हील भी काफी प्यारे हैं। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक हमर है हमारे पास व्हाइट कलर की, ये देखिए ये हमारे देखिए डायनासोर वर्ल्ड लिखा हुआ है इधर, और ये देखिए डायनासोर वाले ग्राफिक्स बने हुए हैं। तो ये आपको कैसी लगी। और अब मैं हमारे पास है लास्ट में ग्रीन वाला ट्रक है एक तरीके का, ये देखिए ओपन जीप भी बोल सकते हो आप, ये देखिए ग्रीन कलर का। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ इन सारे कलर्स में आपको कौन सा अच्छा लगा। अगर आपको दो गाड़ियां अच्छी लगी तो दो कलर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी मुझे तो एक बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं आपको दिखाने के लिए ले आया गाइस। और इसके बाद गाइस हमारे पास है दो बुलेट बाइक, ये देखिए गाइस कितनी जबरदस्त बुलेट बाइक है हमारे पास, दो ये मैं पहले भी दिखा चुका हूं। तो मेरे पास दोनों बुलेट बाइक का कलेक्शन है, एकदम रियल लगती है बुलेट बाइक। और ये मेरे पास तो गाइस वैसे KTM ड्यूक 390 है, पर ये मैंने थोड़ा सा ऐसे ही खेलने के लिए जो है ली हुई है। ये ब्लू कलर की है और थोड़ा खाकी कलर की है। ये इनमें से दोनों में से कौन सी बाइक का कलर आपको पसंद आया ये भी कमेंट में आप बता सकते हो गाइस। और चलिए इसको रख देते हैं साइड में, और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास गिल्ली डंडा अगर आप खेलते हो तो हमारे पास गिल्ली भी है, मैंने 10 रुपीज की खरीदी है, पर अब तो मैं नहीं खेलता हूँ, बाद में पहले मैं बहुत खेलता था गिल्ली डंडा। और हमारे पास दो लट्टू भी है गाइस, और ये प्लास्टिक का लट्टू है और ये लकड़ी का, इसमें कील गाड़नी पड़ती है और इसमें से पहले से लगी हुई आती है कील, तो इसके साथ खेलने का भी मजा बहुत ही अलग है। उसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखिए हमारे पास है इरेजर वाली गन, ये आपको कैसी लगी। और ये एकदम रियल गन जैसी लगती है, लेकिन ये इरेजर है गाइस, एकदम फ्लेक्सिबल है और वापस से जुड़ भी जाती है, तो काफी बढ़िया जो ये इरेजर वाली गन है। और गाइस इसके बाद हमारे पास है टेडी बियर, और ये देखिए इसके खेलने में बहुत मजा आता है, इसको ऐसे लटका के कैसे भी घुमा लो। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है एक लाइट भी जलती है, ये देखिए रात को समय इसको अगर आप ऐसे घुमाओगे ना तो इसके अंदर जो लाइट जलती है वो बहुत ही बढ़िया लगती है गाइस। ये मैंने गाइस 30 रुपीज का खरीदा था। और इसके बाद गाइस हमारे पास दो स्क्वीज बॉल भी है, ये मैंने 40 रुपीज की खरीदी है। और ये देखिए गाइस फिर से मैं स्क्वीज करता हूँ कैसा साउंड आता है, कैसी लगती है देखने में, और फिर बंद कर दो और फिर दबाओ, बहुत ही मस्त चीज है, टाइम पास बढ़िया होता है गाइस के साथ खेलने में। और उसके बाद गाइस हमारे पास है एक रॉकेट स्टाइल की वाटर गेम, ये देखिए रॉकेट जैसी लगती है, और इसमें जो रिंग्स दी गई हैं हमें, ये रिंग्स ये दो हुक दिए गए इनके अंदर डालनी होती है। ये देखिए गाइस इस तरीके से आप खेल सकते हैं, और देखते हैं हम हुक डाल पाते हैं। ये देखिए हमने एक रेड हुक इधर डाल दिया है, और एक दो कोशिश करते हैं, और ये देखिए इधर हमने ग्रीन और येलो हुक में डाल दिया है, और देखिए इधर वाली निकल गई गलती से, तो एक एक स्टाइल तरफ से भी आप खेल सकते हो। देखो तीन हमने जो है रिंग्स इधर वाले हुक में डाल दिया। तो ये वाटर गेम कैसा लगा आपको ये भी कमेंट में जरूर से मुझे बताना। इसके बाद गाइस हमारे पास है लेजर लाइट, ये देखिए ये सिल्वर कलर की लेजर लाइट है, ये मैंने 50 रुपीज की खरीदी है, ये आपको कहीं से भी 50-60 रुपए में आराम से मिल जाती है। तो इसमें दो बटन दिए गए, ये वाला बटन दबाते हैं देखिए ब्लू जल गई, फिर से दबाते हैं रेड, और फिर से दबाने पे इसमें गाइस ये जो है ब्लिंक होने लगती है। और ये रहा इसका लेजर लाइट वाला बटन, ये दबाते ही एकदम लेजर पॉइंटर इसमें से निकलता है, ये देखिए। और रात को समय यार गाइस ये 2 किलोमीटर दूर तक भी चली जाती है, तो किसी दिन मैं आपको रात को भी इसे चला के दिखाने की कोशिश करूंगा, तो इसको भी रखते हैं साइड में। और उसके बाद गाइस हमारे पास है गर्ल्स के लिए एक यूनिकॉर्न
यूनिकॉर्न वाला पाउच, और ये पॉपेट वाला पाउच है गाइस। ये देखिए यूनिकॉर्न का सींग भी लगा, यूनिकॉर्न के हेयर्स हैं और ईयर्स हैं, ये देखिए पॉपेट वाले, और ये आईज बंद है, और इधर एक जिप दी गई है गाइस ये देखिए। और इसके अंदर हमें मिलेगी एक स्ट्रैप, ये देखिए गाइस, और ये स्ट्रैप लगा के आप इसको एकदम साइड बैग भी बना सकते हैं। तो ये स्ट्रैप मैं आपको जोड़कर दिखा देता हूँ गाइस, ये देखिए बहुत ही ईजी है। और ये देखिए गाइस, ये एक स्ट्रैप लग गई है और ये दूसरी स्ट्रैप भी इधर से लग जाएगी, और हमारा ये साइड बैग भी बन जाता है, और इसको आप एज अ साइड बैग भी जो है यूज कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, कैसा लगा आपको ये हमारा जो है यूनिकॉर्न का पॉपिट बैग, कमेंट में जरूर बताना। और इसके बाद गाइस हमारे पास है दो दो स्लाइम, ये देखिए दो मैं आपके लिए स्लाइम की बॉटल भी लाया, ब्लू कलर की एक पिंक कलर की, तो मैं आपको पिंक वाली खोल कर दिखाता हूँ कैसा लगता है ये स्लाइम देखने में। और ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस कितना बढ़िया स्लाइम है गाइस, इसका तो खेलने का मजा ही अलग है। मैं तो बहुत खेलता हूँ गाइस स्लाइम के साथ, आई होप आप भी खेलते होंगे। इसको रखते हैं साइड में, और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूँ पॉपिट। ये देखिए हमारे पास यूनिकॉर्न वाला पॉपिट है, कितना बढ़िया पॉपिट है गाइस ये देखिए। इसके बाद खेलने का मजा ही अलग है गाइस, और बहुत ही बढ़िया टाइम पास होता है इसके साथ खेलने में। और यूनिकॉर्न शेप में दिया गया है, और बहुत सारे इसमें कलर्स भी हैं, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने गाइस 150 रुपीज का खरीदा था, 150 रुपए का। इसको भी रखते हैं साइड में। इसके बाद हमारे पास ये 10 रुपीज वाली पुल बैक एक्शन जो बस है, ये देखिए पीछे पुल करो और छोड़ो, ये आगे की तरफ बहुत ही स्पीड से भागती है गाइस। और इसके बाद गाइस हमारे पास एक फिजेट स्पिनर है लाइट वाला, इसमें ये देखिए बटन दिए गए हैं, इनको ऑन करने से इसमें लाइट जलती है, और इसको चलाने में गाइस बहुत ही मजा आता है। और रात के समय अगर आप इसे देख लेंगे ना गाइज, कसम से आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना बढ़िया फिजेट स्पिनर है। ये मैंने 70 रुपीज का खरीदा था गाइज। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास क्या है। हमारे पास एक यूनिकॉर्न का पाउच है, मिनी पाउच, इसके अंदर अपने ईयरफोन्स रख सकते हो, आप पैसे रख सकते हो, इरेजर और शार्पनर रख सकते हो। ये देखिए आई बिलीव इन मैजिक इधर लिखा हुआ है, काफी बढ़िया, इधर भी सेम लिखा हुआ है। तो ये ऐसे खुलता है, और इसके अंदर आप कुछ भी रखो और वापस से बंद कर दो, तो ये काफी बढ़िया, इसे आप अपने बैग वगैरह में भी रख के स्कूल वगैरह ले जा सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश है। और उसके बाद गाइस हमारे पास दो एकदम बढ़िया वाले बैंड भी है हाथ में पहनने के लिए, इधर ये सुपरमैन वाला है और ये WWE जॉन सीना वाला है, और ये येलो और ऑरेंज कलर के। ये आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताने, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बढ़िया बना देते हैं गाइस। और उसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखिए कैडबरी लिकेबल्स, ये देखिए गाइस, ये मैंने 45 रुपीस का खरीदा, इसके अंदर लिटिल सिंघम टॉय निकलता है, और इसके अंदर बहुत यमी चॉकलेट भी मिलती है ओरियो बिस्किट्स के साथ, और ये भी मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए ये रहा हमारा टॉय, ग्रीन कलर का टॉय निकला है इसके अंदर, और ये रही हमारी जो है ओरियो चॉकलेट, ये देखिए चॉकलेट क्रीम, और इसके अंदर ओरियो वाले बिस्किट भी हैं। ये देखिए ये 45 रुपीज में गाइस बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, और काफी बढ़िया इसके अंदर जो है टॉय भी निकला है। टॉय गाइस मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, फिलहाल इसको रख देते हैं साइड में। और मैं आपको और भी चीज दिखा देता हूँ, हमारे पास एक गोल्डन कलर का फिजेट स्पिनर भी है, और उसके बाद गाइस हमारे पास ये थॉर और गन भी है, और हमारे पास पेपा पिग वाली स्पून भी है जो इसके नीचे है, ये देखिए पेपा पिग वाली स्पून और फोर्क, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना गाइस, एक एक चीज बहुत ही खास है आज के वीडियो में। और ये देखिए हमारे पास फिजेट स्पिनर है गोल्डन कलर का, साउंड सुनिए गाइस, साउंड और स्पीड देखिए गाइस, और कितनी देर तक कितनी स्पीड में ये घूम रहा है गाइस, ये भी देखिए। ये गाइस मैंने खरीदा 50 रुपीज में, 50 रुपए में ये बहुत ही भारी गोल्डन कलर का फिजेट स्पिनर खरीदा, ये देखिए कितना शानदार है ना गाइस, मुझे तो बहुत पसंद आया, तो मैंने एक ही झटके में इसको खरीद लिया था, तो इसको भी रखते हैं साइड में। और इसके बाद गाइस हमारे पास है ये एक ही बहुत ही बढ़िया मिनी ब्लास्टर, मिनी सॉफ्ट ब्लास्टर गन, इसको नर्व गन भी बोल सकते हो क्योंकि नर्व गन की कॉपी होती है ये, और इसके अंदर एक 3 डार्ट भी दी जाती है, ये भी मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा। ये गाइस मैंने खरीदा 150 रुपए का मार्केट से, और ये ऑनलाइन आपको 250-300 रुपए का मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन अगर आप खरीदते हैं तो 150 रुपए में जो है ये मिल जाती है। तो ये रही हमारी गन, ये देखिए इसके 3 डार्ट भी दी गई है, और ये मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, 2 डार्ट निकाल देता हूँ और एक को छोड़ देते हैं इसी में। और ये देखिए गाइस इधर एक स्पेस दिया गया है, इधर आप अपने डार्ट को डालकर रख सकते हैं, ये हम स्टोर कर सकते हैं एक्स्ट्रा डार्ट, और इसको चलाने के लिए हमें जो इधर से डालना होता है, और ये कुछ इस तरीके की जो है गन नजर आती है, और देखने में कोई इसे गन समझेगा ही नहीं, इतनी प्यारी और इतनी कलरफुल गन है। और आपको बस ये ट्रिगर दिया गया, और आपको बस इसको ऐसे खींच के जो है लॉन्च करना होता है, और ये हमारी लॉन्च हो गई है, जब ये पीछे से निकल रहा है तो समझ लेना लॉन्च हो चुकी है गन। और आपको ये देखिए ये इसमें डार्ट दी गई है, और अब आप इसको चला के देखते मैं आपको चला करके दिखाता हूँ, और मैं आपको चला के दिखाता हूँ नीचे, ये देखिए गाइस चलने के बाद ये बुलेट कितनी तेजी से यहाँ पर गिर गई। तो गाइस अब मैं आपको इसको थोड़ा सा जो है दीवार पर भी चला कर दिखाता हूँ। और गाइस ये देखिए चले मैं आपको दीवार पर चला के दिखाता हूँ, हमने पहले इसको लोड कर लिया है, और ये देखिए गाइस देखा गाइस कितनी तेजी से गई और दीवार पे लगी, और साउंड भी कितना तेज था इसका।
तो कैसी लगी गाइज आपको ये हमारी सॉफ्ट शूटर गन, कमेंट में जरूर बताना। मिनी साइज में बहुत ही जबरदस्त है ये, इसको भी रखते हैं साइड में। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूँ अपने इरेजर्स और शार्पनर्स का कलेक्शन। तो हमारे पास ये बाइक वाला शार्पनर है, और ये देखिए ये टायर इसके इरेजर है, और इधर से आप शार्प कर सकते हैं पेंसिल को, और एकदम रियल बाइक जैसे लगता है। उसके बाद गाइज हमारे पास है रिंग वाली इरेजर, ये देखिए अंगूठी वाली इरेजर है, और गाइज ये देखिए हमारे पास एक, ये देखिए एक यूनिकॉर्न वाली इरेजर है, ये एकदम हॉर्स है, यूनिकॉर्न हॉर्स, और ये मैंने 20 रुपीज की खरीदी इरेजर, 20 रुपए की। और हमारे पास ये देखिए काफी बढ़िया एक पेंसिल है, ये देखिए यूनिकॉर्न वाली, और ये मैकेनिकल पेंसिल है गाइज, ये काफी बढ़िया पेंसिल है। और इसके बाद गाइज हमारे पास है ये देखिए यूनिकॉर्न वाला पेन है, और एक बटन दिया गया है, इसको जलाते यहाँ पे लाइट जलती है गाइज, काफी बढ़िया रात के समय। और ये देखिए इसके अंदर काफी सारा ग्लिटर वगैरह भरा हुआ है, ये बहुत बढ़िया है, और इधर से पेन को आप चलाकर यूज कर सकते हैं। ये मैंने खरीदा गाइज 40 रुपीज का, 40 रुपए का। और ये देखिए गाइज हमारे पास कौन कौन सी इरेजर है, काफी सारी इरेजर है गाइज हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये एवोकाडो वाली इरेजर है, और ये देखिए गाइज ये फ्लेमिंगो वाली इरेजर है पिंक कलर की, ये आइसक्रीम वाली इरेजर है, ये कितनी अच्छी लग रही है ना। और ये देखिए हमारे पास ये होवरबोर्ड वाली इरेजर है, इसका टायर साइड में गिर गया है, उठा लेंगे बाद में। और ये इंजेक्शन वाली इरेजर है, ये देखिए कैप्टन अमेरिका सॉरी आयरन मैन वाली इरेजर है, बिल्कुल शानदार एकदम। और ये देखिए गाइज हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर वाली इरेजर है, ये रोबोटिक इरेजर है गाइज। और ये देखिए लेवल 3 हेलमेट वाली इरेजर है, पबजी वाला लेवल 3 हेलमेट जो होता है। और ये देखिए गाइज हमारे पास एक बॉटल है, और ये बर्गर वाली इरेजर है, बिल्कुल रियल बर्गर लगता है गाइज देखने में। और ये देखिए गाइज हमारे पास है टैंक, आर्मी टैंक वाली इरेजर भी है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास क्या क्या है गाइज। और ये देखिए मैंने सारा उठा लिया है, और ये देखिए हमारे पास ये टॉर्च है, ये मैंने 10 रुपए की खरीदी है गाइज। और मैं आपको दिखा दूं हमारे पास स्लाइम है, स्लाइम भी मैं आपको खोलकर दिखा देता हूं कैसा ये स्लाइम है, इसके साथ खेलने का बहुत ही मजा आता है गाइज। ये मैंने 10 रुपीज का खरीदा है, और ये बहुत ही टाइट पैकिंग है इसकी गाइज, मैं इसको एक बार कट कर लेता हूं फिर दिखाता हूं आपको। और मैंने इसको खोल लिया है, कट कर लिया है, और ये देखिए गाइज ये रही हमारी स्लाइम, कितनी चिपकी एकदम चिपकू स्लाइम है गाइज, देखिए निकाल के दिखाता हूं। ये देखो गाइज कैसे निकल रही है गाइज, ये देखो कितनी लंबी हो गई गाइज स्लाइम, ये देखो कैसे गिर गई मेरे हाथ में, और भी गिर रही है, ये देखो कैसे गिरे जा रही है गाइज, कितना मजा मस्त है ना गाइज स्लाइम, इसके साथ खेलने का मजा ही अलग है गाइज। स्लाइम से खेलने के बाद आप घंटों भर खेलने के बाद भी जो है बोर नहीं हो सकते हो, तो इतना मस्त मजा आता है गाइज स्लाइम के साथ खेलने में। ये देखो सारा का सारा मैंने जो है इसके अंदर वापस से डाल दिया है, तो मैंने इसको बंद कर दिया, अब इसको रख देते हैं गाइज। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास और कौन कौन सी चीजें हैं। ये देखिए गाइज हमारे पास एक ऐसी नेल पेंट है, और ये इसके अंदर से इरेजर निकलते हैं, इरेजर है गाइज इस साइड से, और इस साइड से आप जो है इसको पेंसिल को शार्प कर सकते हैं गाइज। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास फ्लावर वाली शार्पनर है, ये देखिए इधर से पेंसिल को आप शार्प कर सकते हैं। और ये देखिए गाइज हमारे पास बनाना वाली इरेजर है, और ये UFO वाली अंतरिक्षयान वाली इरेजर है, और ये देखिए नर्स वाली इरेजर है, और ये आइसक्रीम वाली इरेजर है गाइस, आइसक्रीम में हैट भी पहना हुआ है काफी प्यारा सा। और ये देखिए शू वाला शार्पनर है, इधर से पेंसिल को शार्प कर सकते हैं आप। और ये देखिए गाइस ये ऑक्टोपस एलियन वाला इरेजर है, और ये देखिए ये रॉकेट वाला इरेजर है हमारे पास, कितना बढ़िया है ना गाइस। और ये देखिए हमारे पास ये ड्रिंक वाला इरेजर है, एकदम काफी बढ़िया। और ये देखिए गाइस हमारे पास ये स्केटिंग वाले शूज वाला इरेजर भी है, ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है गाइस। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास एक पेपा पिग वाली स्पून है गाइस, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। और ये देखिए गाइस, और ये घर में गाइस ये तो मुझे तो बहुत पसंद है, और अब मैं आज आपको दिखाने के बाद में घर में इससे ही खाना पीना शुरू करूंगा, काफी मजा आएगा गाइस इसके साथ खेलने में, और काफी प्यारा सेट है गाइस। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास, ये देखिए फोर्क है, एक मिनी फोर्क है, ये देखिए काफी प्यारी, और ये देखिए ये ऑरेंज वाली फोर्क है, और ये देखिए छोटी स्पून है। और आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि ये तो डैडी पिग है, आई थिंक ये पेपा पिग है, और ये जॉर्ज पिग है, ये कौन सा पिग है, इसका नाम जरूर बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये है मम्मा पिग। तो ये फैमिली कैसी लगी आपको स्पून वाली, कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी गाइस। और मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ गाइस हमारा थॉर, ये देखिए, और थॉर के बाद भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देखिए गाइस हमारा थॉर की अनबॉक्सिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसा है हमारा थॉर, वेट कीजिए थोड़ा, कट करना पड़ेगा इसको। और ये देखिए ये मिल गया कैंची, और इसको कट कर लेते हैं, और ये कट हो गया गाइस, और हमारा थॉर अब आने वाला है बाहर, थॉर का फिगर। और थॉर तो गाइस सबको पसंद है, थॉर की मूवीज किस किस ने देखी है कमेंट में जरूर बताना। तो ये रहा हमारा थॉर, और ये रहा थॉर का हैमर, ये देखिए गाइस। और थॉर के पीछे एक सुपरमैन जैसा कपड़ा भी लगा हुआ है, जिसको जो इसको बहुत ही ऑसम बनाता है गाइस। और इधर आप इसको थॉर के हैमर को जो है इसके हाथ में लगा सकते हैं, और ये देखिए
कैसा लग रहा है थॉर आपको, कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो ये थॉर बहुत पसंद आया। चलिए इसको रखते हैं साइड में और मैं आपको दिखाता हूं अपना यूनिकॉर्न वाला पेन। ये देखिए गाइस, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का पेन है, ये मैंने 60 रुपीज का 60 रुपए का खरीदा है। उसके ऊपर बहुत ही सॉफ्ट फर लगा हुआ है गाइस, काफी प्यारा फर है। और ये देखिए, और इधर से बहुत सारी आप निब्स वगैरह निकाल के जो है इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं गाइस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स इधर दिए गए हैं, तो काफी सॉफ्ट और काफी मुलायम ये पेन है। उसके बाद गाइस हमारे पास और भी बहुत सारी इरेजर है, ये देखिए कितने सारे इरेजर है, मैं आपको दिखा दिखा के थक जाऊंगा, आप ऐसे ही देख लीजिए, है ना गाइस कितनी बढ़िया। और ये भी कितने सारे इरेजर है हमारे पास, ये देखिए गाइस क्या बात है, ये देखिए ये मरमेड वाली इरेजर भी हमारे पास, और ये देखिए यूनिकॉर्न वाली इरेजर है, ये देखिए प्लस माइनस वाली इरेजर है, ये देखिए है ना, ये डॉक्टर वाले सूट बैग वाली इरेजर भी हमारे पास, और भी बहुत सारी इरेजर है। ये देखिए आउल वाली फैमिली वाली इरेजर है, ये थ्री एग भी और आउल फैमिली इरेजर है गाइस। और देखिए गाइस हमारे पास एक पॉपिट वाला यूनिकॉर्न पेन भी है, काफी प्यारा। और देखिए मिक्की माउस वाली पॉपिट भी है हमारे पास, और देखिए ये हमारे पास डोरेमोन का की चेन भी है, काफी प्यारा। और ये देखिए गाइस प्रिंसेस का स्टेशनरी सेट भी, इसमें पेंसिल इरेजर और शार्पनर दिया गया है। और ये क्रेजी बॉल भी हमारे पास बहुत सारी, और ये बहुत ज्यादा जंप करती है गाइस, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस ये वाली बॉल दिखाता हूँ, ये देखो कितना ज्यादा ये बॉल जंप करते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 बॉल है, क्रेजी बॉल, ये बहुत ही मुझे पसंद है। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा ही लगा होगा। तो कमेंट में आपको क्या क्या चीजें बढ़िया लगी 8-10 कमेंट कर देना गाइस, सारी की सारी चीजों के नाम लिख देना, आपको क्या क्या अच्छा लगा क्या क्या प्यारा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना आप, और चैनल को वीडियो को गाइस अपने व्हाट्सएप पे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इंजॉय कर सके आपकी वीडियो को। और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अजब गजब ऑसम वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। बाय बाय।